नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोरा फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा 7th वीडियो मेरी सीरीज़ का, बेसिक जो टेनिस बॉल में मैं बता रहा हूं उसका 7th वीडियो है। ये बताऊंगा मैं आपको स्वीप शॉट टेनिस बॉल से। स्वीप शॉट जो है स्पिन बॉल में मारा जाता है आजकल कई बार मीडियम फास्ट में, एकदम फास्ट बॉल में तो नहीं लगती, उसमें थोड़ा चोट लगने का खतरा होता है। स्पिन बॉल में स्वीप मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम जब खड़े बल्ले से मारते हैं उसमें तो बॉल टर्न होती है तो बॉल निकल जाती है। स्वीप शॉट में क्या होता है, बैट हमारा तिरछा जाता है इस टाइप से, तो तिरछे में क्या है अगर टर्न भी हो रही होगी तो बैट में हमारी कनेक्ट हो जाती है, इसलिए स्वीप सीखना जरूरी है। स्वीप का बेसिक कैसे करना है, कैसे स्टेप निकालना है वो आज मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा। उसके अलावा स्वीप से आपका स्लॉग स्वीप बनेगा, स्वीप से आपका रिवर्स स्वीप बनेगा, दोनों चीज़ बनेगा। हालांकि टेनिस बॉल में बहुत कम देखा है मैंने स्वीप मारते हैं, लेकिन अगर आप स्वीप शॉट जमीनी शॉट मारना शुरू कर देंगे तो उससे आपको बाद में उठा के भी मारना सीख सकते हो, और स्लॉग बहुत बढ़िया छक्का जाता है स्लॉग स्वीप में, तो वो भी आप इसमें सीख सकते हो। दोस्तों इसमें पहले आपने क्या करना है, इस तरह से घुटना ऐसे रखना है और कंटिन्यू यहाँ पे एक बॉल को रखना है और कंटिन्यू ऐसा करना सीखना है। देखिए यहाँ से ऐसे मारना सीखना है ये। अब इसमें मेन बात यह कि बॉल को जज करना, स्पिन बॉल जब गुड लैंड डिलीवरी में आती है उस बॉल को ही स्वीप मारना है, क्योंकि जब आपकी नज़दीक यहाँ पे बॉल आती है ना, इसको आप स्वीप मारने की कोशिश करोगे तो आपका बॉल यहाँ आ जाएगा, बैट के नीचे आ जाएगा। उस बॉल को हालांकि आप फुल टॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो नज़दीक आती है उसको फुल टॉस कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल वो जो टिप्पा खा के जो स्वीप लगता है वो नहीं लग पाएगा। और वहाँ पे कई बार आपने देखा होगा गुड लैंड से भी दूर बॉल होती है, बहुत ज़्यादा बॉल टर्न हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है खिलाड़ी बिल्कुल इतना लंबा पैर ले जाके भी बॉल तक पहुंचता है। इसलिए पहुंचता है क्योंकि बॉल के टिप्पे को बीच बल्ले में लेने के लिए पहुंचता है, बीच बैट में लेना जरूरी है। जहां पर बॉल, यहां पर सबसे मेन बात है बॉल जब ड्रॉप हो रही है ज़मीन में उस पर आपने नज़र रखनी है, ऐसा नहीं कि खाली आइडिया से घुमा दें। आप बॉल पर आप नज़र रखोगे तभी आपका स्वीप लगेगा। जैसे ही बॉल गिरती है उसके ऊपर से मारना है, ऐसे नहीं मारना है ऊपर को, ऐसे बाद में आप जब छक्का मारते तब मार सकते हैं, लेकिन पहले आपने इस तरह से सीखना पड़ेगा बॉल को दबाते हुए मारना जहाँ पर बॉल गिर रही है। ये मैं आपको अभी खेल के भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो बात है, इसको तीन डायरेक्शन में खेल सकते हैं, ऑफ की बॉल भी आप लेग में चपेट सकते हैं, मिडिल की भी, और बिल्कुल यहाँ की बॉल। आपको लगेगा बॉल वाइड जा रही है इसलिए मैं छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं, अगर लेग स्पिन होगा तो यहाँ से आपका बॉल अंदर आ जाएगा, इसलिए उसको भी आपने इस टाइप से यहाँ को मारना है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरह। और ये वाली जो है बीच वाली जो आती है बिल्कुल जो पैर के सामने आती है वो सीधे स्क्वायर लेग की तरफ जाएगी, और जो थोड़ा सा ऑफ में आती है वो इस साइड को जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है, तीनों बॉलों में आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है। इसी में रिवर्स स्वीप भी आता है, जैसे इस एरिया में आ गया या सामने आ गया, इस साइड को आपका ज़्यादा फिल्टर लगा है, इस साइड को खाली है, तो तब उसी को आप रिवर्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप उल्टा सीखो फिर जाके उल्टा सीखोगे। अब इसके लिए आपने क्या करना है, नज़दीक से बॉल डालनी शुरुआत में, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं फुल पिच से बॉलिंग करके स्वीप मारना शुरू कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है सीखना। हर एकेडमी में हमको जो है अंडर आर्म खेलना सिखाते हैं, बिल्कुल नज़दीक से आपके पैरों के पास में या गुड लेंथ में बॉल को गिराएंगे और आपको बोलेंगे कंटिन्यू हिट मारते जा, कंटिन्यू हिट मारते जा। उसमें जब आपका बैट बॉल कनेक्ट होने लग जाएगा, नज़र उस पर टिकने लग जाएगी, 400-500 बॉल आप उसमें खेल लेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे पीछे बॉलर को पीछे बढ़ा के फिर अंडर आर्म उसको बोलो आप बॉल फेंक के, फिर जाके आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में आप फुल पिच से करेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपको बिल्कुल डर लगेगा कहीं बॉल उछल के मुँह में आ जाएगी करके, तो आप चाहो तो हेलमेट का यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में डर दूर करने के लिए, क्योंकि कभी कभार बैट से अगर मिस होता है तो सीधे मुँह में लगता है, तो इसलिए आप टेनिस बॉल में भी हेलमेट पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने से पहले। तो बेसिक यही है, अगर आप स्टार्टिंग में अंडर आर्म नहीं करोगे तो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट शॉर्टकट मत ढूंढो, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है कि जल्दी से दो ही दिन में मैं सीख जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप दूसरे प्लेयर्स को मत देखिए कि वो बिना प्रैक्टिस के करता है, भाई किसी का नेचुरली गेम होता है वो खेल लेता है, लेकिन हमारा अगर गेम नहीं है तो हमने बनाना पड़ेगा। दोस्तों शुरुआत में इस तरह से करना है, बिल्कुल नज़दीक में से पैर के सामने गिराना गुड लेंथ में, फिर इस तरह से करना है, देखिए बॉल पर नज़र रखनी, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा दूर करीब 5 मीटर दूर से इस तरह से, ये भी अंडर आर्म ही करना है, इस तरह से कंटिन्यू करो, पैर कहाँ पे आ रहा है बॉल को लास्ट तक देखना है। ये देखो ऑफ साइड की बॉल, ये मिडिल की बॉल कौन सी दिशा में जा रही है,
ये देखिए बॉल को गिरते हुए देखना, जहाँ पर अगर आपने गिरते हुए में नज़र नहीं डाली तो आपकी बॉल मिस हो जाएगी। इसलिए ये देखिए बिल्कुल पैर ज़्यादा लंबा करके ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इस तरह से देखिए पीछे की तरफ, ये ऐसे भी मार सकते खड़े। MS धोनी मारते थे ऐसे और सचिन तेंदुलकर मारते थे, फुल टॉस बना के भी खेल सकते हैं नज़दीकी बॉल को। तो इस तरह से रिवर्स स्वीप है, सारी शॉट बॉल पर नज़र रखो और काफ़ी अच्छी आप स्वीप सीख जाओगे जब ये ड्रिल करोगे। उसके बाद आप फुल पिच से भी कर सकते हो।